अगर आपका विद्याबोध लॉग इन करने के टाइम मैक एड्रेस नीचे नहीं आता है तो फिर आपका जो है यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि ये कमांड है, इस कमांड को आप रन करते हैं और पासवर्ड डालते हैं, अगर इंटर दबाते हैं तो आपके साथ एक समस्या ये भी आता होगा कि अनेबल टू लोकेट पैकेज नेट टूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो डिडक्ट नहीं कर रहा है, नेट टूल्स एक होता है जो कि डिडक्ट नहीं कर रहा है। तो मैंने उस नेट टूल्स को डाउनलोड किया है, नेट टूल्स को डाउनलोड करने के बाद आप उसको इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने का क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। नेट टूल्स को इंस्टॉल करने के लिए मेरे पेन ड्राइव में नेट टूल्स था, मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो आपको भी इस नेट टूल्स को डाउनलोड कर लेना है इंटरनेट के माध्यम से। तो यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे नेट टूल्स है, इस नेट टूल्स को हम क्लिक करते हैं, ये नेट टूल्स आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। इस तरह से नेट टूल्स खुलेगा और आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा, PASWORD जो हमारा पासवर्ड है वो हम डालें, और यहाँ पर देखिए इंस्टॉलेशन होने का जो प्रक्रिया है वो चालू हो चुका है। ये देखिए हमारा इंस्टॉल नेट टूल्स हो गया जो कि डिडक्ट नहीं कर रहा था हमारा हार्ड डिस्क। तो अब यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। क्लोज करने के साथ अब देखिए इस तरह की जो समस्या आई हुई थी यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ई और इच कॉलन है अनेबल टू लोकेट पैकेज नेट टूल्स, तो ये यहाँ पे अब नहीं आएगा। अब मैं इस पर वापस से आपको इसको क्लोज करके वापस से इसका टर्मिनल को ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये हमने कमांड को यहाँ पे दिया है, इस कमांड को हम रन करने के लिए एंटर प्रेस करते हैं, और यहाँ पे मैंने वहाँ का पासवर्ड डालते हैं। हमने यहाँ पे पासवर्ड डाला और यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे जो इरर आ रहा था वो यहाँ पे ज़ीरो आ गया, और अपग्रेडेड और न्यू इंस्टॉलेड ऑटो रिमूव। अब यहाँ पे हम एग्जिट लिख के इंटर दबाते हैं, हमारा एग्जिट हो गया। अब हम यहाँ पे विद्याबोध को लॉगिन करने का प्रयास करेंगे। अब हमारा जो मैक एड्रेस का जो वो रनिंग स्टेटस था वो चालू हो चुका है हमारे सिस्टम में। अब यहाँ से हम विद्याबोध को इंस्टॉल करते हैं, लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आप देखिए यहाँ पे मैक एड्रेस वो पूर्ण रूपेण आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैक एड्रेस आ गया, आपको पूर्णता आप अपने विद्याबोध को जो है लॉगिन कर सकते हैं, और बाकी सारी कामें आप कर सकते हैं। तो हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।